गाइस, स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो पे। इस वीडियो पे हम बात करेंगे डार्लिंग प्रभास की बर्थडे स्पेशल के बारे में कि क्या क्या हो रहा है, क्या क्या होने वाला है। मैं आपको बता दूं कि सलार री रिलीज हो रही है 19 अक्टूबर 20 अक्टूबर, प्री बर्थडे सेलिब्रेशन जो हम कहते हैं वो सलार के साथ होने वाली है। हैदराबाद के कई सारे स्पेशल शो होंगे जिसका एडवांस बुकिंग वगैरह ओपन हो चुका है। एडवांस बुकिंग ओपन हो चुका है भाई, मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट दिखा देता हूँ, देखो संध्या पे, सुदर्शन पे एडवांस बुकिंग ओपन हो चुका है सलार की री रिलीज का। जबरदस्त है, मैं तो सोचता हूँ हमारे यहाँ पे भी कहीं कहीं कुछ कुछ जगहों पे एक दो शो मिल जाते ना, मतलब यहाँ पे भी अगर मिल जाएगा मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कई सारे लोग देखने जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग ना रिव्यू वगैरह देख करके सलार को थिएटर में एंजॉय नहीं किए हैं। ओके, ओटीटी पर देख करके बहुत सारे लोग तारीफ करे हैं और ओटीटी पर फिल्म तो भाई क्या ही माहौल जमाया है ना, तो अभी अगर थिएटर पे आ जाती हमारे नॉर्थ साइड पे भी ना, तो बहुत सारे लोग देखने जाएंगे सलार को। तो ये स्पेशल शो वगैरह यहाँ पे भी कर देते तो मज़ा आ जाता। खैर ऐसा नहीं होगा, हम लोग मोबाइल पे देखेंगे। कौन कौन देखने वाले हो, कौन कौन रखे हो अपने डाउनलोड करके पूरा एकदम HD क्वालिटी में अपने PC में मोबाइल में, ज़रूर कमेंट करना। तो सलार मूवी के साथ एंजॉय करेंगे हैदराबाद के फ्रेंड्स लोग 19-20 अक्टूबर को। 22 अक्टूबर को मिस्टर परफेक्ट फिल्म रिलीज होगी, वन ऑफ माय फेवरेट मूवी यार। मतलब मैं इतनी बार ये फिल्म देखा हूँ, और एक टाइम पे मतलब कॉलेज के टाइम पे 2013, ठीक है ना, 12-13 को मेरा कॉलेज था, 2012-13, मतलब प्लस टू के टाइम पे 12, ओके, उस टाइम पे मैं मिस्टर परफेक्ट फिल्म देखा और मैं वो स्टाइल कर रहा था, मतलब सॉरी वो जो शर्ट के ऊपर T-shirt एक स्टाइल था ना वहाँ पे, उस टाइप का, तो मैं वैसा कर रहा था, ठीक है, कॉलेज के टाइम पे। मतलब उतना उसका दर्द दीवाना हो गया था मैं उस टाइम पे, और मैं काजल अग्रवाल डार्लिंग प्रभास को लेकर के पर्सनल हो गया था, जैसे हमारे यहाँ पे ओडिया फिल्म का हम सिद्धांत और रचना मैम की जो हम जोड़ी का ये होते हैं, ओके, तो बिल्कुल वैसा वाला मैं पर्सनल ले लिया था डार्लिंग मूवी देख करके, मिस्टर परफेक्ट मूवी देख करके। तो वही मिस्टर परफेक्ट मूवी इस बार फिर से रिलीज हो रही है 22 अक्टूबर को हैदराबाद में। काश हमारे यहाँ पे भी होता, मैं थिएटर पे ये फिल्म नहीं देखा हूँ, कितना मज़ा आता। फिल्म का क्या ही म्यूज़िक है, DSP क्या म्यूज़िक दिया, क्या गाने हैं उसके, है ना। मैंने अपनी पुराने कुछ कुछ वीडियो में, किसी एक वीडियो में शायद उस मतलब मिस्टर परफेक्ट का गाना छोड़ा हूँ पूरा खुद गा करके, ठीक है ना। कौन कौन देखे हो वो वाला वीडियो, बहुत पुराना, जब मैं वॉइस ओवर वीडियो बनाता था, गाना गा लिया और मैं आप लोगों को क्वेश्चन पूछा कि ये कौन सा फिल्म का गाना है, मिस्टर परफेक्ट का सारा गाना मैंने गाया था, ओके। मैं उतना इस कदर दीवाना हूँ मैं मिस्टर परफेक्ट फिल्म का, ओके। डार्लिंग प्रभास की स्टाइल, स्वैग, अच्छे से लव स्टोरी, एडजस्टमेंट का पार्ट, ये सारी चीज़ें बहुत कमाल का लगा था, एकदम से कूल टाइप का फिल्म था, ओके। तो वो फिल्म रिलीज हो रही है 22 अक्टूबर को हैदराबाद में, और 23 अक्टूबर को आपको पता है मैं बहुत पहले से इसका अपडेट दे दिया हूँ, ईश्वर मूवी रिलीज हो रही है, डार्लिंग प्रभास की पहली फिल्म, ओके, पहली फिल्म, वो फिल्म रिलीज हो रही है। तो बहुत एंजॉय करेंगे यार, बर्थडे स्पेशल वो लोग मना रहे हैं। आप लोग क्या क्या कर रहे हो, मतलब डार्लिंग प्रभास की बर्थडे स्पेशल, जितने भी हमारे जैसे नॉर्थ साइड के हो गए, नेपाल के भाई लोग भी हैं यहाँ पे, ओके, जो लोग हैदराबाद के नहीं हैं वो लोग क्या कर रहे हो, ज़रूर कमेंट करना, ओके। निजाम पे 50 से ज़्यादा शोज लग रहे हैं मेरे भाई, कमाल है यार, सलार मूवी एकदम से धमाल मचाएगा लिटरली, ओके, 19 और 20 अक्टूबर को बहुत मज़ा आएगा, मिस्टर परफेक्ट भी, विश्वर भी, ओके, तो बर्थडे स्पेशल बहुत ही कमाल का होगा। जरूर कमेंट करना डार्लिंग फ्रेंड्स, आप लोग क्या क्या कर रहे हो डार्लिंग प्रभास के बर्थडे पे, और आप लोग मुझे सजेस्ट करो कि उस दिन हम क्या करें अपने चैनल पे, क्योंकि आप लोग तो ढेर सारे हो यहाँ पे, है ना। मतलब आप लोगों की बजट से ही ये चैनल है, आप लोगों का ही चैनल है, तो बोलो, डार्लिंग प्रभास का ही चैनल है, तो उस दिन हम क्या करेंगे, क्या सजेस्ट, कुछ सजेस्ट करो, किस तरह का वीडियो लाएं, क्या डिटेल्स क्या लेकर के आएँ, ओके, ज़रूर कमेंट करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, टेक केयर। और कौन कौन हो हैदराबाद के फ्रेंड्स लोग यहाँ पे, बोलो, कमेंट करना, और सलार मूवी के लिए आप लोग कितना एक्साइटेड हो फिर से बड़े पर्दे पर देखने के लिए, उसके लिए भी कमेंट करना।